नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है। व्हाट्सएप की कॉल को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। अगर आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है एक्स वाई जेड, अगर आपकी व्हाट्सएप की कॉल है ऑडियो में हो सकती है, वीडियो में, किसी के पास में आपने कॉल की है, आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं ताकि कोई रिकवर ना कर पाए, तो कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप से रिलेटेड अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है, आपकी चैट डिलीट हो गई है, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, आपका कोई मैसेज डिलीट हो गया उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पे ओके करके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की चैट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें ताकि कोई रिकवर करना चाहे तो भी रिकवर ना हो पाए। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है आपकी, आप चाहते हैं आपका भाई आपके प्रॉब्लम का सलूशन करे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके बता सकते हैं, भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाई पूरी कोशिश करेगा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने की। अभी हम आज की जो प्रॉब्लम है उसका क्या सलूशन है वो देख लेते हैं। व्हाट्सएप की कॉल को परमानेंटली डिलीट करने के आपको तीन तरीके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तीनों तरीकों को आप फॉलो कर लीजिएगा, इसके बाद में आपकी डिलीट कॉल को कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको आपकी व्हाट्सएप ओपन करनी है और यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जाना आपको, ठीक है। सेटिंग के अंदर आने के बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए अकाउंट के नीचे चैट लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में सबसे लास्ट में देखिए चैट बैकअप, आपको यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए बैकअप गूगल ड्राइव, यहाँ पे अगर आपकी जीमेल आईडी अटैच कर रखी है आपने तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेवर करना है। अभी फिलहाल ऑलरेडी मेरा नेवर हो चुका है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जीमेल अकाउंट नन सेलेक्टेड, यहाँ पे अगर आपका जीमेल आईडी दिखाई दे रही है आपको तो यहाँ पे सबसे पहले जीमेल आईडी आपको हटानी है और यहाँ पे नेवर करना आपको। जीमेल आईडी हटाने के बाद में अगर आपकी जीमेल आईडी यहाँ पे अटैच थी तो इसके बाद में अगला जो स्टेप है आपको आपके फ़ोन के अंदर गूगल ड्राइव ढूंढना है। इसके बाद में आपके फ़ोन के अंदर आपको गूगल ड्राइव को ढूंढना है और गूगल ड्राइव के अंदर जाके गूगल ड्राइव में देखिए यहाँ पे जो कोने में तीन जो लाइन है यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद में बैकअप पे ओके करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका बैकअप है या नहीं। अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन रेडमी 8 बैकअप लिया हुआ है यहाँ पे 5:17 पे, तो इसी तरह से यहाँ पे व्हाट्सअप का बैकअप भी आपको मिलेगा। अगर आपने ऑनलाइन बैकअप ऑन कर रखा था, आपको पता नहीं है, फिर भी ये हो कई बार हो जाता है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तीन जो लाइन है यहाँ पे ओके करोगे और डिलीट कर देना, आपको पहला काम ये करना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो स्टेप है आपके फ़ोन के अंदर ही है, आपको क्या करना है, आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजर जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए इमेज वीडियो डॉक्यूमेंट्स म्यूजिक व्हाट्सअप भी लिखा हुआ है, तो इस व्हाट्सअप के अंदर नहीं जाना है आपको। सबसे ऊपर देखिए सर्च करने का ऑप्शन है और इसके साइड में जो फोल्डर का ऑप्शन है यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद में आपके फ़ोन के अंदर जो इंटरनल मेमोरी है वहाँ पे आप आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप फोल्डर को ढूंढना है, जो कि व्हाट्सअप फोल्डर बिल्कुल लास्ट में होता है, ये व्हाट्सअप फोल्डर है। और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा डेटाबेस, डेटाबेस फोल्डर के अंदर ओके करोगे तो ये जितनी भी फाइल है सभी के ऊपर मार्क करना है यहाँ पे और सभी को आपको डिलीट करना है। ये डिलीट कर दिया, ठीक है, मेरे कोई काम की नहीं थी इसलिए मैंने डिलीट कर दिया है। और अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कॉल को तो आपको यहाँ से अगला जो स्टेप है ये करना पड़ेगा। ये डिलीट करने के बाद में आपकी दो सेटिंग हो चुकी है और सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, वैसे तो अभी दो काम करने के बाद में आपकी चैट डिलीट होने के बाद में रिकवर नहीं हो पाएगी, फिर भी आपको लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लगा के आपकी रिकवर ना कर ले, तो लास्ट एंड फाइनल एक तरीका और बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद में अकाउंट के ऊपर ओके करना है और यहाँ पे देखिए डिलीट माई अकाउंट यहाँ पे ओके करना है और सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिलीट योर अकाउंट व्हाट्सअप, ठीक है, इरेज योर मैसेज हिस्ट्री, डिलीट योर ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप, डिलीट योर पेमेंट हिस्ट्री, तो जो भी आपकी चैट है सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और उसके बाद में रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर बैकअप होगा तो भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो बैकअप आपके फ़ोन के अंदर या गूगल ड्राइव के अंदर किसी ने कॉपी कर लिया तो रिकवर किया जा सकता है, तो उस केस के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है,
यहाँ से आपके अकाउंट को डिलीट करना है। तो अकाउंट डिलीट करने के बाद में आपकी व्हाट्सएप के अंदर जो भी डेटा था, अगर उनके पास में बैकअप होगा किसी के पास में भी, तो भी आपकी चैट रिकवर नहीं हो पाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर फिर भी इसके अंदर कोई भी डाउट है आपको, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका भाई आपका आंसर जरूर करेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और आपका भाई आपके साथ में रहे, कभी भी कुछ पूछना हो तो आपके भाई से पूछ सको कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई प्रॉब्लम को लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।